फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमिता की किचन से। और आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ वो एक चाइनीज़ डिश है, वेज हक्का नूडल्स, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है और मेरी भी फेवरेट है। तो चलिए बनाते हैं बड़े ही ईजी वे में वेज हक्का नूडल्स। वेज हक्का नूडल्स बनाने के लिए हमें चाहिए नूडल्स, जो कि मैंने बॉयल कर लिए हैं। ये मैंने ये वाले यूज़ किए, बारीक वाले जो आते हैं मार्केट में, ये किसी भी शॉप में अवेलेबल है, आपको आसानी से मिल जाएंगे। और नूडल्स का बता देते हैं हमने किस तरह बॉईल किया है। हमने नूडल्स को 2 गिलास पानी में बॉईल कर लिया है। जब अच्छे से पानी बॉईल हो जाए तब नूडल्स को पानी में डालें, नहीं तो ठंडे पानी में नूडल्स चिपक सकते हैं। उसके बाद नूडल्स को छान लें और तुरंत ही नूडल्स के ऊपर ठंडा पानी डाल दें और ऑयल लगाकर आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। वेजिटेबल्स में हमने लिया है कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम, बीन्स। आप चाहे तो रेड कैप्सिकम भी ले सकते हैं, येलो कैप्सिकम भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छी लगती है वो वाली वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून वेनेगर, 1/2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून टमाटो सॉस, और ये अजीनोमोटो, 1 टीस्पून अजीनोमोटो लिया है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च ली है, नमक अपने अकॉर्डिंग ले लें, और ये मैंने लिया है हक्का नूडल्स मसाला, चाउमीन हक्का नूडल्स मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप डाल लीजिए, नहीं तो मत डालिए। और ये लिया है 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है मैंने। तो चलिए वेज हक्का नूडल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। वेज हक्का नूडल्स बनाने के लिए मैंने पैन ले लिया है और हाई फ्लेम कर दिया है गैस का, क्योंकि जितने भी चाइनीज़ फूड होते हैं वो हाई फ्लेम पर ही बनते हैं। अब मैं 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दूँगी और इसको ऑयल को गर्म होने देते हैं। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तभी हम इसमें वेजिटेबल्स फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम वेजिटेबल फ्राई करते हैं। तो हम सबसे पहले डालेंगे कैबेज और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम डालेंगे कैरेट, कैप्सिकम भी डाल देंगे और इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम डाल देंगे बीन्स, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इसको लगातार चलाते रहें ताकि सब्जियां पैन में ना लगे। सब्जी हमारी फ्राई हो गई है, अब मैं डालूंगी इसमें टमाटो सॉस, 1 टेबल स्पून टमाटो सॉस डालूंगी और चिली सॉस ऐड कर देंगे। फिर इसको फ्राई करेंगे, सॉस को वेजिटेबल्स में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और वेनेगर डाल देंगे, अजीनोमोटो डाल देंगे, ये मैंने काली मिर्च ली थी इसलिए ये डाल रही हूँ, सोया सॉस ऐड कर रही हूँ और इनको अच्छे से भून लेंगे। अब मैं नूडल्स डालूंगी,
कर देंगे। अगर हम हमसे इससे मिक्स नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, टू स्पून लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें नमक ऐड कर दूंगी। और फिर अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। ये हमारे अच्छे से नमक मिक्स हो गया। अब मैं जो हमारा हक्का नूडल्स मसाला था वो ऐड करूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो मत डालिए। ये मैंने आधा डाल दिया है और अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारे वेज हक्का नूडल्स तैयार है। अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और अब हम इसको सर्व करेंगे। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में डाल देंगे। ये बहुत ही आसान डिश है और जल्दी भी बन जाती है। ये देखिए हमारे नूडल्स बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं है। ये हमारे हक्का नूडल्स खाने के लिए रेडी है। हम इसको टमाटो सॉस और चिली सॉस के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।